नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज हम बात करेंगे हमारे आहार के एक घटक ओनियन यानी कि प्याज के बारे में। कुछ राज्यों में इसको कांदा भी कहा जाता है। जानेंगे आयुर्वेद के अनुसार क्या है इसके गुण, कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करने के लिए हम प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करना है, इन सब के बारे में डिटेल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। प्याज के अंदर कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन B6, प्रोटीन, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम इत्यादि पोषण तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह हमारे रोज के भोजन का एक हिस्सा है, लेकिन इसमें कई ऐसे गुण हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। प्याज आयुर्वेद के अनुसार एक उत्तम पित्तनाशक है। पित्त से होने वाली सभी प्रकार की बीमारियों में प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर बीमारियों में प्याज का इस्तेमाल करना है तो लाल प्याज के मुकाबले जो सफ़ेद प्याज होता है उसके अंदर जो गुण है वो काफ़ी अच्छे होते हैं। बीमारियों को ठीक करने की जो कैपेसिटी है वो सफ़ेद प्याज के अंदर है, इसलिए अगर आपको बीमारियों में प्याज का इस्तेमाल करना है तो सफ़ेद प्याज का ही इस्तेमाल करना है। जिनको गठिया की प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द रहता है, ऐसे लोगों को सफ़ेद प्याज का रस सरसों के तेल में मिलाकर अगर वहाँ पर मसाज करते हैं, वहाँ पर लगाते हैं, तो जो जोड़ों का दर्द है वो धीरे धीरे कम होते होते खत्म हो जाता है। जिन व्यक्तियों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, LDL और VLDL ये खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, उनके लिए भी प्याज किसी वरदान से कम नहीं है। प्याज के रस को शहद में मिलाकर लेने से कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो नॉर्मल रहने लगता है। कान के दर्द में भी ये काफ़ी उपयोगी माना जाता है। जिनके कान में दर्द है, खास करके बच्चों के कानों में हमेशा दर्द होता रहता है, ऐसे अवस्था में प्याज के रस की 2 बूंदें अगर कान में डालेंगे तो कान का दर्द दूर हो जाता है। इसके अलावा दांतों की बीमारियों में भी ये काफ़ी लाभदायक माना जाता है। दांतों का दर्द, मसूड़ों की सूजन, मसूड़ों में दर्द, मुँह से दुर्गंध आना, दांतों का खराब होना, दांतों में कीड़े लगना, इस प्रकार के अगर बीमारियों में कच्चा प्याज खाने से काफ़ी लाभ मिलता है। अगर आप कच्चा प्याज खाते हैं तो ये जो समस्या है वह दूर हो जाती है। लेकिन प्याज खाने का जो सही तरीका है वो ये है कि जब आपको प्याज को खाना है उसी समय प्याज को काटिए या अपने हाथ से तोड़ के खाइए। प्याज को काट कर उसको रखिए मत, और रखा हुआ प्याज खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा नहीं होता, इसलिए फ्रेश प्याज काट के ही खाना चाहिए। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि होटलों में वगैरह काफ़ी देर पहले काटा हुआ प्याज या प्लास्टिक की पन्नी में पैक करके रखते हैं, वो प्याज खाने के लिए इतना अच्छा नहीं होता, वो बासी हो जाता है। इसलिए फ्रेश प्याज अगर काट के आप खाते तो आपके स्वास्थ्य के लिए वो ज़्यादा लाभदायक होता है। इतना ही नहीं, रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने का भी कार्य करता है ये प्याज। जुकाम की समस्या हो, साइनस की समस्या हो, फीवर की समस्या हो, इसमें भी प्याज काफ़ी लाभदायक माना जाता है। प्याज गर्मी को दूर करने वाला होता है। गर्मी के दिनों में तो प्याज जरूर खाना चाहिए। प्याज खाने से लू लगने की जो समस्या है वो खत्म हो जाती है। इसके अलावा एसिडिटी की समस्या हो उसमें भी प्याज काफ़ी लाभदायक होता है। पेट की गर्मी को ये कम करता है, पाचन को ये सुधारने का कार्य करता है। तो पेट से संबंधित समस्याओं में भी प्याज काफ़ी लाभदायक माना जाता है। पित्त को, अम्ल पित्त को शांत करने का कार्य करता है। नक्सीरा हो, नाक से खून बह रहा हो, ऐसे अवस्था में अगर प्याज को हम तोड़ के सुंघाते हैं तो नाक से खून आना उसी समय बंद हो जाता है। इतना ही नहीं, कैंसर से बचाने का भी कार्य करता है प्याज। प्याज एक उत्तम वाजिकारक है। यह काम शक्ति को बढ़ाने वाला है, वीर्य की वृद्धि करने वाला है, नपुंसकता को दूर करने वाला है। इसलिए जिनको भी इस प्रकार से समस्या है उनको कच्चा प्याज अवश्य खाना चाहिए। जिनके बालों की झड़ने की समस्या है उनको प्याज का रस बालों की जड़ों में लगाना चाहिए। स्किन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी प्याज काफ़ी लाभदायक माना जाता है। लेकिन अगर आपने प्याज के साथ दूध खाया या दूध के साथ प्याज खाया तो स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर सेपरेट कच्चे प्याज को सैलेड के रूप में खाते हैं या उसका रस निकाल के पीते तो स्किन की समस्या में काफ़ी लाभदायक माना जाता है। प्याज आँखों की बीमारियों में भी काफ़ी लाभदायक होता है। आँखों की किसी भी प्रकार की समस्या हो, आंखें लाल हो रही हो, आंखों में जलन हो या मोतियाबिंद हो, इस प्रकार की अगर आंखों की कोई भी समस्या है, चश्मा लगा हुआ हो, नज़र कमज़ोर हो रही हो, किसी भी प्रकार के आंखों की जो समस्या है उसमें प्याज काफ़ी लाभदायक होता है। उसमें आपको क्या करना है, प्याज का रस निकालना है, सफ़ेद प्याज का, उसमें नींबू का रस उतना ही मिलाना है जितना प्याज का रस है, और उसमें 4 से 5 गुना
शहद मिलाना है और ये तीनों का मिश्रण अच्छी तरह से मिक्स करके आंखों में डालना है। अगर आप ये मिश्रण बना के रखते तो इसको कांच की बोतल में रखना है, लगभग 5-6 महीने ये खराब नहीं होता। तो ये मिश्रण अगर आप रोज आंखों में एक एक बूंद डालते हैं तो लगभग 1 महीने के अंदर आप अलग रिजल्ट पाएंगे, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, मोतियाबिंद की जो समस्या है वह भी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी प्याज के बारे में। प्याज के अंदर इतने सारे प्रकार के गुण हैं और ये कई सारी बीमारियों को ठीक करने में सक्षम है। बस इसका जो इस्तेमाल करना है वह सफ़ेद प्याज का करना है बीमारियों के लिए, तो कई सारी बीमारियों से बचाने का ये कार्य कर सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसका सेवन करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसका सेवन नहीं भी करते क्योंकि इसको राजसिक आहार में मानते हैं। जो ध्यान साधना करने वाले हैं या जो योगी लोग हैं वे प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते क्योंकि ये ध्यान साधना में बाधा डालता है, ये थोड़ा सा उत्तेजक है। तो दोस्तों इसी प्रकार से और जानकारी के लिए, योग आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।